तो ये थी भाई सिंगाड़े की खेती। मतलब क्या है कि एक किस्म का एक मेवा है, इसको जल मेवा ही बोलते हैं हम लोग। एक सिंगाड़े की वजह से करोड़ रुपया उसका चला गया। अगर आज मैं वहाँ होता तो मैं ये क्वेश्चन लेके 1 करोड़ का मालिक बन सकता था। क्या ठीक है भाई साहब, क्या कर रहे हैं? सिंगोड़े तोड़ रहे हैं। सिंगोड़े तोड़ रहे हो गए? हाँ। तो गाना गुना चला टूटा है सिंगाड़ा? मैं आपकी दिन में तोड़ा है। राम राम, मैं प्रशांत और थे देख रहा हूँ झलको हनुमानगढ़। अभी आप हनुमानगढ़ गए, हनुमानगढ़ और जंक्शन, टाउन और जंक्शन के बीच में एक सिंगाड़ा की जगह खेती करी जावा बैठे खड़े हाँ अंकल जी अपना सागा बात करांगा। सिंगाड़ा की खेती कदू स्टार्ट कर रखी है और ये सिंगाड़ा किया आंगी पैदावार हो और कटे कटे सिंगाड़ा बेचन है जावा या अठे कुन कुन अठ लेना आवे सिंगाड़ा। बहुत बढ़िया खेती है हनुमानगढ़ में, एक मात्र आज की खेती हनुमानगढ़ में, एक मात्र कोई नहीं मतलब सिंगाड़ा की एक ही जगह खेती अठे होने ला रही है। तो आप अंकल जी बात करांगा, अंकल जी सिंगाड़ा है जगह तोड़ने ला रहे हैं। राम राम अंकल जी। नमस्कार जी। क्यों अंकल जी? बस बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सिंगाड़ा की खेती करने आ रहे होते हैं? जी जी। और अपना एड्रेस बताओगे थोड़ा सा किस एड्रेस से? हाँ जी हाँ जी, मेरा नाम रामबुल कश्यप। हाँ जी जी, सिंगाड़े वाला। हाँ जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे खेत में पधारे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये क्या है कि सर, इसका बहुत लंबा पीरियड है। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 साल की खेती है। हाँ जी। और 1 साल इसमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी। और 1 साल के पश्चात ये 3 महीने का इसका सीजन होता है, जो मतलब सिंगाड़ा इस टाइम चल रहा है जो मार्केट में आप देख रहे हैं आ रहा है। 1 महीना ये मतलब 3 महीने चलता है, जिसमें मतलब क्या है कि 2 महीने मतलब समझो हमारे तेजी के होते हैं और 1 महीना मंदे का होता है। तो कब बिजाई, इसकी बिजाई कब की जाती है, कौन से मतलब इसकी क्या है कि सर, सबसे पहले इसका बीज तैयार करना पड़ता है। अच्छा जी। जो कि बीज मार्केट में नहीं मिलता वो मैं खुद ही तैयार करता हूँ। अच्छा, बीज खुद ही तैयार करते हैं? जी जी ठीक है जी। क्योंकि ये बीज जो है इसका सिंगाड़े का, ये मार्केट में नहीं मिलता। अब ये जैसे आप देख रहे हो ये खेत, अभी मैंने बीज छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है जी। ये बीज तैयार होगा। हाँ जी। बीज तैयार होने के बाद में फिर इसकी यहाँ से चुगाई होगी। चुगाई होने के बाद में फिर हम इसकी एक जैसे कनाल या 2 कनाल का जो क्यारी है, हम उसकी क्यारी बनाएंगे। उसके बाद में इस बीज को वहाँ पे डालेंगे और ये अपने टाइम पे आने के बाद में अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद में इसकी छोटी छोटी बेलें बनती हैं स्टार्टिंग में, फिर ये बड़ी बड़ी बनती हैं। उसके बाद में इस खेत की जुताई होती है, पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद में फिर इसकी लगाई होती है, और लगाई होने के बाद में फिर इसमें हमारा पीरियड जो शुरू होता है वो होता है घास निकालने का। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके सर घास बहुत हो जाता है, और वो घास निकालने के लिए हमें कम से कम 3-4 महीने का टाइम चाहिए। तो 3 महीने का ये टाइम होता है, तो घास निकालते निकालते ये सिंगाड़े की जो खेती है तैयार हो जाती है, और उसके बाद में इस टाइम में ये आके तैयार होती है। तैयार होते हैं जी जी। तो अपने बात करें कि सिंगाड़े की कितनी मतलब ये अपने भूमि की बात करें जी जी, तो कितनी भूमि में ये सिंगाड़ा उगाया गया है इस टाइम? ये सर इस टाइम आप देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से वैसे तो 10 बीघा है जी, और वैसे आप अगर ये डोले वगैरह मतलब खत्म करें तो 8 बीघा या 9 बीघा के लगभग है। अच्छा, उगाई आप बीज दिया जी जी, उगाई की टाइम आ गया, की मौसम आ गया है, और महीनों पूछा तो की महीने मांगी उगाई हुआ है? ये सर 4th महीने के अंदर इसकी लगाई शुरू होती है। अच्छा जी जी। और जब तोड़ते हो, फल तैयार करते हो, फल तैयार कब होता है इसका? ये फल तैयार सर अपने गणेश महोत्सव से पहले हो चुका था। ठीक है जी। ये आप देख लें भाई कौन सी तारीख पड़ती है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तक ये चल रहा है लगातार? जी जी हाँ, चलेगा अभी तो 2 महीने और चलेगा सर ये। तो अपने ये हनुमानगढ़ में ये एक ही जगह है जहाँ ये अपने? हाँ जी जी सर, है ना, ये सिर्फ मैं इसकी पैदावार करता हूँ। और ये मैंने, मेरे जो पिताजी थे उनका नाम श्री जग्गूराम जी था। अच्छा। जग्गूराम जी कश्यप, तो उन्होंने इस खेती को यहाँ पे तैयार किया क्योंकि वो यूपी के रहने वाले थे। अच्छा। और वही यूपी से इसका बीज लेकर के आए थे, और उन्हीं के कदमों के अनुसार मैं सर यहाँ पे चल रहा हूँ। अच्छा, लगभग टाइम पूछे अपने को, पूरा पारिवारिक टाइम कितना हो गया इस खेती को संभालते? खेती को सर मेरे हिसाब से तो सर आप मेरी उम्र देख लीजिए, मेरे हिसाब से 50 साल से ऊपर तो हो ही चुके होंगे। 50 साल से ये खेती से जी, पहले मेरे पिताजी करते थे इस खेती को, और अब मैं कर रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी इस खेती के बारे में पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है जी। और ये इसका फल है, जो फल कहाँ कहाँ बिकता है अपने यहाँ से, हनुमानगढ़ से अलावा? ये हनुमानगढ़ के अलावा सर जैसा है कि जैसे वैसे तो इसके चाहने वाले बहुत हैं, जैसे लोगों के, जैसे कोई दिल्ली है, कोई बंगलोर है, कोई कलकत्ता है, जैसे जैसे उनकी रिश्तेदारी हैं वैसे वैसे लोग भेजते हैं। और मेरे यहाँ से जो ये माल जा रहा है फिलहाल, जैसे अबोर है, गंगानगर है, अहमदाबाद, पीलीभंगा, संगरिया, डब्बावाड़ी, ये लोग लेके जाते हैं यहाँ से। ये फ्रूट की श्रेणी में आता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी एक किस्म का फल है। फल है ना जी जी। तो ये बात किस रेट में होता है, ये फल कितने रुपए तक बिकता है, कितने रुपए तक इसकी लागत कितनी आ जाती है आपको लगाने के लिए? लागत तो सर इसकी क्या है, क्योंकि मैं बीज वगैरह खुद ही तैयार करता हूँ,
तो लागत का तो ऐसा है कि बहुत ही कम लागत है, हमें लग जाता है ये, मेहनत ज़्यादा है मतलब। पर इसकी क्या है कि जो मेहनत है ना सर वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर जैसे अब आपके सामने ही है, देख लीजिए कितने आदमी लग रहे हैं। सही है, सही। और घास निकालने के टाइम तो और भी ज़्यादा आदमी होते हैं, क्योंकि उस टाइम तो मेरे को कम से कम 10-12 लेबर चाहिए घास निकालने के लिए, और अब भी कम से कम 7-8 आदमी तो अब भी लग रहे हैं आपके सामने। हाँ जी। तो अब इसके फ्रूट निकाल के आप लगभग मार्केट में क्या रेट अभी इस टाइम बिक रहे हैं? मार्केट में सर ये 100-80 के बीच में चल रहा है जी। चल रहा है जी, मेरा सब माल चल रहा है जी। तो अपने कहते हैं ना शरीर के लिए फ्रूट होते हैं वो लाभदायक होते हैं, जैसे अनार है वो खून बनाता है, चुकंदर है वो खून बनाता है, बहुत से विटामिन के लिए भी काम है। ये फ्रूट किस चीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? ये सर क्या है कि इसका जहाँ तक मेरे को ज्ञान है या मेरे पिताजी से जैसे मैंने सुना है, ये क्या है कि सर एक सर की मतलब क्या जड़ी बूटी है और इसका जो अंदर से जो प्राकृतिक चीज़ है ये, इसमें अंदर एक किस्म का दूध बनता है, और दूध भी आप इसको फोड़ के देखें, अगर आप इसका मिक्सी में दूध बनाएं मतलब इसको वैसे करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम दूध हो जाएगा। तो इसका क्या है कि सर ये ज़्यादातर क्या है कि जिस तरह कई बीमारियों में काम आता है, जैसे लेडीज़ को लिकोरिया है या मतलब पानी गिरना है या कुछ और बीमारियाँ हैं जैसे, और आदमी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये। तो अपने अंकल जी सिंगाड़े जो सूखे हुए आते हैं जिसको पीसते हैं मिक्सी में, बहुत हार्ड होते हैं वो। हाँ जी। तो ये वही सिंगाड़े हैं क्या? बिल्कुल सर ये वही सिंगाड़ा है जी। सर जी जी। इसके अंदर जैसे मान लो फ्रूट है, अपने फ्रूट लेके देखते हैं जी जी। तो ऊपर एक कवर होता है ग्रीन कलर का, उसको हटा के अंदर व्हाइट कलर का वही खाने के लिए होता है? हाँ जी जी सर वही होता है। हाँ जी, हाँ जी। कई लोग क्या है कि इसको सीधे मुँह में डाल लेते हैं, तो हम उन लोगों को समझाते हैं कि नहीं भैया इसको फोड़ के खाओ, आराम से इसको छीलो, परमात्मा ने इसको छोलने का एक तरीका भी बनाया है, उसको छोलें और खाएं। इसमें क्या होता है कि सर जैसे छोटा पीस जो होता है मतलब उसको हम छोड़ देते हैं, अच्छा, और बड़ा जो पीस होता है उसको हम तोड़ते हैं, जैसे ये इसको हमने तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया। बस अंकल जी एक बार आके ना एक सिंगाड़ा तोड़ के उसका फ्रूट बता दो क्या खाया जाता है। एक ही बार पैदा होता है ये, देखिए सर इसको इस हिसाब से छोड़ना पड़ता है, ये है सर इसका गिरी। ठीक है, ये गिरी खाया जाता है जी? बिल्कुल ये खाई जाएगी। तो क्या है कि एक किस्म का एक मेवा है, इसको जल मेवा ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। जैसे कि आपने एक बार अमिताभ बच्चन जी ने करोड़पति में उसमें पूछा था एक सवाल कि जी पानी फल बताएं, तो उस टाइम में होता तो बताता पर क्या करूं बता नहीं पाया। अंकल जी आपको चांस नहीं मिला उस टाइम? हाँ बिल्कुल चांस नहीं मिला। कितने लाख रुपए या कितने का ये क्वेश्चन था उस टाइम, ये आपको बता दो? ये सर था तो करोड़ों में। करोड़ों में जी? हाँ अंकल जी होते जरूर था, करोड़ों का क्वेश्चन छूट गया जी। हाँ जी बिल्कुल मेरे से छूट गया, मैं अमिताभ बच्चन जी का बहुत ही बड़ा फैन भी हूँ, और उस टाइम मेरे को अफसोस भी हुआ कि आज मैं अगर स्टेज पे होता तो बताता। कुछ क्वेश्चन जनरली होते हैं अपने मतलब सोचते भी नहीं वहाँ तक, वो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं। जैसे अब आपको पता था? हाँ बिल्कुल। ठीक है, जल में भाई होता है? हाँ जल में भाई, जल में भाई होता है। तो वो सही हुआ था उसका? नहीं हुआ सही? बिल्कुल सही हुआ था जी, सही। और उन्होंने बाद में बताया भी था, हालांकि जो वहाँ पे मतलब वो जो सवाल बताने वाला था वो बता नहीं पाया। अच्छा। तो ये बाद में अमिताभ बच्चन जी ने खुद बताया था कि भी ये सिंगाड़ा होता है, एक सिंगाड़े की वजह से करोड़ रुपया उसका चला गया। अगर आज मैं वहाँ होता तो मैं ये क्वेश्चन लेके 1 करोड़ का मालिक बन सकता था। बन सकते थे? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया अंकल जी। और अंकल जी जड़े हैं इसकी बहुत लंबी बता रहे हैं? जड़े हैं सर इसका, जड़े कई लोग तो इसको समझते घास समझते हैं सर। घास समझते हैं? बिल्कुल। कई लोगों के क्या है कि गलत आराधना है जी। मैं उससे उन लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि जी गंदे पानी में होता है, तो वो लोग इस बात को नहीं समझते भी गंदे पानी में किस हिसाब से होगा आप ही बताइए। इसको तोड़ना भी पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, और ये एक मेवा है। तो मैं लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि वो इस बात को ना समझे भी ये गंदे पानी में होता है। ठीक है जी। जहाँ भी सिंगाड़ी खेती होती है कहीं भी हो, मेरे अलावा मेरे भी और भाई बहुत हैं जो इस खेती को करते हैं, तो ये क्या है कि स्वच्छ पानी में होती है, या तो नहर का पानी हो या बारिश का पानी हो या फिर मतलब ट्यूबवेल का पानी हो। ठीक है। ये गंदे पानी में नहीं होता। ठीक है। गंदे पानी में बहुत ये घास होता है। हाँ हाँ। तो इसकी जड़ें कितनी लंबी होती हैं? जड़ें बहुत लंबी है सर, आप देखिए जड़ें इसकी जमीन के अंदर लगी हुई हैं, ये देखिए। मजबूत भी होती हैं जड़ें या सिर्फ लंबी होती हैं? नहीं मजबूत हैं, देखो मजबूत, जहाँ तक आप देखें कम से कम 50-50 फुट की इसकी जड़ है। तो अंकल जी इसकी जैसे मान लो अपने बिजाई कर दी, फिर इसके अपने ने फल तोड़ लिया, उसके बाद इसको निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है या पड़ा रहता है ऐसे? नहीं निकाल के, अब जैसे आपके सामने बच्चे सिंगाड़ा लेके गए हैं, इसकी धुलाई होगी? सिंगाड़ा की नहीं अंकल जी, बाद में जो ये पीछे बच जाते हैं ये। ये जी? हाँ जी। ये इसमें इसी में नष्ट हो जाएगा? इसी में नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल इसी में नष्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम इसको
मतलब जुताई करेंगे इसकी, और उसके बाद में हम कणक की बिजाई भी करेंगे इसके अंदर। कणक की बिजाई भी होगी? बिल्कुल होगी। मतलब ये एक साल में एक बार करते हो आप? हाँ, ये एक साल में एक बार होती है। तो बहुत अच्छा, इसका मार्केटिंग अच्छी है इसकी? बिल्कुल मार्केट अच्छी है, और मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि इसको जी भर के खाए। जी भर के खाए बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है कि एक किस्म का मेवा है। अच्छा, धन्यवाद अंकल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अपने बात करें क्वेश्चन की, तो आपने क्वेश्चन बता दिया, अमिताभ बच्चन जी का नाम ले दिया, बहुत अच्छा लगा है। तो ये थी भाई सिंघाड़े की खेती। तो अब थे थारा विचार है जगह मैंने, कमेंट बॉक्स है खुला थारे खातर, तो कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंकल जी को आगे सिंघाड़ा जरूर खा के जाइए, उठे लेके भी जाइए, उठे फ़ायदेमंद है, एक तरीके की जड़ी बूटी है। तो थारा सुझाव मेरे साथ बताता रहिए, और आप वीडियो ने ज़्यादा शेयर भी कर दियो, और पास ही एक बेल आइकन को बटन दे दो, बिन दबा दियो, ताकि कोई भी नई वीडियो डाला तो मैं नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो माना दे, इजाज़त मिला था नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।